हाँ भाई, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम डिंपल कपाड़िया के बारे में बात करेंगे। वो डिंपल कपाड़िया जिसे बॉलीवुड इतिहास की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक माना जाता है। एक मशहूर पत्रिका ने बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से मधुबाला के बाद दूसरा स्थान दिया था डिंपल कपाड़िया को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। जून 1957 को जन्मी डिंपल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बेहद अमीर व्यक्ति थे। वे अपने घर समुद्र महल में अक्सर फिल्म सितारों को पार्टियां देते रहते थे। कहा जाता है कि एक ऐसी ही पार्टी में फिल्मकार राज कपूर ने 13 वर्षीय डिंपल को देखा और डिंपल उनके जहन में बस गई। राज कपूर की महत्वाकांक्षा फिल्म मेरा नाम जोकर जब पिट गई तो उन्होंने नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने का निश्चय किया। अपने बेटे ऋषि कपूर को बॉबी के जरिए उन्हें लॉन्च करना था और डिंपल को हीरोइन के रूप में चुना गया। इस समय डिंपल कपाड़िया महज 16 वर्ष की थी। बॉबी रिलीज हो गई और सुपर डुपर हिट हो गई। बॉबी रिलीज होने के बाद एक अफवाह खूब फैली कि डिंपल राज कपूर और नरगिस की बेटी है। बॉबी के रिलीज होने के कुछ महीने पहले डिंपल की मुलाकात उस दौर के सुपर स्टार राजेश खन्ना से हुई। चांदनी रात में राजेश खन्ना समुद्र किनारे डिंपल को ले गए और अचानक उन्होंने डिंपल के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिंपल की बॉबी फिल्म रिलीज हो गई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। रातों रात डिंपल एक साधारण लड़की से सुपरस्टार बन गई। युवा लड़के डिंपल के दीवाने हो चुके थे। शादी कर चुकी डिंपल को उम्मीद नहीं थी कि बॉबी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन तब तक वे शादी कर चुकी थी। उनके पति राजेश खन्ना ने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद वे फिल्में नहीं करेंगी। डिंपल काम करना चाहती थी, संभव है कि यहीं से दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई होगी। डिंपल के लिए यह सब सपने जैसा था। डिंपल ने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दिया। डिंपल उस समय मात्र 16 वर्ष की थी और राजेश खन्ना उनसे लगभग 15 साल बड़े थे। बॉबी के लिए डिंपल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। राजेश खन्ना और डिंपल के बीच अनबन की खबरें तब फिल्म पत्रिकाओं की सुर्खियां हुआ करती थी। एक बार डिंपल ने अपनी दोनों बेटियां ट्विंकल और रिंकी के साथ राजेश खन्ना का घर छोड़ने का निर्णय लिया। तब राज कपूर के कहने पर उन्होंने अपना यह इरादा बदल दिया। कुछ दिनों बाद पानी सिर के ऊपर चला गया। डिंपल ने राजेश का घर छोड़ दिया। डिंपल को साइन करने के लिए निर्माताओं की भीड़ लग गई। बॉबी के 11 वर्ष बाद 1984 में डिंपल की दूसरी फिल्म आई जख्मी शेर। फिल्म थी जाबाज। जाबाज के लिए उन्हें एक अंतरंग दृश्य अनिल कपूर के साथ करना था। अनिल कपूर के शरीर पर ढेर सारे बाल देखकर डिंपल ने कहा था, इन्हें नाई के पास ले जाओ। ये बात अनिल को चुभ गई थी। एक दिलचस्प बात और सुनिए। जहाँ एक ओर डिंपल बंटवारा जैसी फिल्म में धर्मेंद्र की हीरोइन थी, तो दूसरी ओर वे धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की अर्जुन फिल्म में हीरोइन थी। अलग अलग होने के बाद डिंपल और राजेश खन्ना के बीच कड़वाहट कम हुई। राजेश खन्ना ने जब लोकसभा चुनाव लड़ा तो डिंपल उनका प्रचार करने राजेश खन्ना के साथ आई। अब समय चेंज हो रहा था। कॉमर्शियल फिल्मों में ढंग के रोल न मिलने पर डिंपल ने समांतर फिल्मों में कदम रखा। दृष्टि, लेकिन रुदाली जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से उन्होंने सबको दंग कर दिया। रुदाली के लिए डिंपल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये लगभग 1993 की बात है। बॉबी, सागर, रुदाली और क्रांतिवीर जैसी फिल्मों के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ डिंपल की जोड़ी खास पसंद की जाती थी दर्शकों के बीच में। सनी और डिंपल की नज़दीकियों की काफ़ी चर्चा रही। दोनों ने अपने इस रिश्ते को कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकारा। डिंपल इस समय मोमबत्ती डिज़ाइन करती हैं और उनकी डिज़ाइन की गई मोमबत्तियां बेहद महंगे दामों में बिकती भी हैं। फिल्म जगत की दूसरी मधुबाला कही जाने वाली डिंपल कपाड़िया के बारे में मुझे जितना नॉलेज था, जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज था, मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। पर अब आपकी बारी है दोस्त, आपको मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर देना होगा।
अगर आपने डिंपल कपाड़िया की कोई मूवी देखी है तो आपको बताना होगा कि आपको उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी लगी, जिसमें उनकी एक्टिंग में आपको कहना पड़ा लाजवाब एक्टिंग। हम आपके आंसर का कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।